में थाना धनारी क्षेत्र के गांव मुडेना में रविंद्र कुमार ने बताया कि मैं अनुसूचित जाति बाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूं। आज मेरी पुत्री प्रीति की शादी रंजीत निवासी बरवारी की मड़ैया जनपद संभल के साथ हो रही है, जिसमें रंजीत की बारात चढ़नी है, लेकिन उक्त श्रवण समाज गांव के लोग बारात चढ़ाने को मना कर रहे हैं, जिसमें बाल्मीकि समाज के लोगों की बारात गांव में कभी भी नहीं चढ़ने दी है और आगे भी बारात चढ़ाने को मना कर रहे हैं। मैंने रंजीत की बारात गांव में करने के लिए पुलिस फोर्स से मदद मांगी है। उन्होंने बताया कि रंजीत पुत्र गांव बरवारी का रहने वाला है और 12वीं पास की है और मुंबई में रहकर एक प्राइवेट नौकरी करता है। लड़की प्रीति 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि आज मेरे गांव में दोपहर से ही पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद रहा और दलित परिवार की बेटी की शादी में अपनी मौजूदगी में बारात गांव में चढ़वाई और मेरे दरवाजे तक पहुंचवाया। अरे गाँव कौन सा है? अच्छा, शादी किसकी आपके घर में? अच्छा, ये आपने प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस के लिए, तो क्या मामला था पुलिस वालों का? गाँव वाले बारात में घूमने गए थे। आप बारात निकल गए? बारात निकल गए, प्रशासन में प्रॉब्लम के लिए। आपको कितनी खुशी हो रही है इस बात की? प्रशासन में हो रही है, पूरा फोर्स था, बहुत अच्छी खुशी है। क्या नाम है तुम्हारा? गाँव कौन सा है? मुडेना। अच्छा, शादी किसकी है आपके? मेरी बेटी। क्या नाम है बेटी का? प्रीति। कहाँ से आई है बारात? आपने प्रार्थना पत्र दिया था, तो क्या मामला था पुलिस प्रशासन का? यह मामला था, बारात गांव वाले घूमने के लिए, आज पहली बार पुलिस द्वारा बारात। फिर बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छी तरह से दुआ से बारात निकल गई गाँव। क्या सहायता रही पुलिस प्रशासन की? बहुत अच्छी सहायता। कल गोपनीय रूप से यह जानकारी प्राप्त हुई कि थाना धनारी के ग्राम मुड़ैना में एससी कम्युनिटी की एक बारात को कुछ लोगों द्वारा रोकने की कोशिश की जा सकती है। इस जानकारी को मिलने के पश्चात जनपद संभल की पुलिस के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बारात अपने समय से अपनी परंपरा के अनुसार प्रॉपर तरीके से वहां पर निकलवाई गई। आज सुबह बारात का विदाई भी हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों के द्वारा शांति व्यवस्था पर खतरा महसूस किया गया, ऐसे 5 लोगों को धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एहतियातन पुलिस बल तैनात है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।